दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट है, जो भारत में नहीं बल्कि दूसरे देश कंबोडिया में स्थित है। बता दें कि इस मंदिर का निर्माण कंबोज के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराए थे, लेकिन वे इसे पूरी तरह से नहीं बनवा पाए थे। 402 एकड़ में फैले इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, इस मंदिर का तस्वीर कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज पे भी है। दोस्तों अंकोर वाट मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, जिसके दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां लिखी हुई है, और यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। दोस्तों इस मंदिर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर किस भगवान जी का है, या फिर है कि भारत में सबसे ज्यादा किस भगवान जी को पूजा जाता है? आपको बता दें कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर हनुमान जी का है। अगर आप गूगल मैप पे देखेंगे तो आपको किसी भी गांव या शहर में हनुमान जी की दो या दो से अधिक मंदिर देखने को मिल जाएंगे। लोगों का मानना है कि भूतों को गांव से दूर रखने के लिए गांव के बाहर भगवान जी का मंदिर बनवाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा गणेश जी को पूजा जाता है, और आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर पूजा पाठ में गणेश जी का पूजा जरूर किया जाता है। दोस्तों रामायण दुनिया का सबसे लोकप्रिय शो में से एक है, जिसका शूटिंग 550 दिनों तक चला था, और रामायण का एक एपिसोड बनाने में 9 लाख रुपए खर्च होते थे। बता दें कि रामायण का पहला एपिसोड दूरदर्शन पर 25 फरवरी 1887 को प्रदर्शित किया गया था, जो 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। बीबीसी के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शो को दुनिया भर में 650 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा था, और उस समय दूरदर्शन पर एक एपिसोड का इनकम करीब 40 लाख रुपए थे। रामायण इतना लोकप्रिय शो है कि जिसके चलते इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों आपको रामायण कैसा लगता है, कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। और भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ हर तरह के लोग और हर धर्म के लोग रहते हैं, और यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। नंबर 2, दुनिया भर में 70% मसाले भारत से ही भेजे जाते हैं, जिनमें हल्दी, जीरा, केसर और मिर्च पाउडर ज्यादातर होते हैं। नंबर 3, दोस्तों भारत में लगने वाला कुंभ मेले में इतने लोग होते हैं कि अंतरिक्ष से ली जाने वाली तस्वीर में भी यह भीड़ दिखाई देती है। नंबर 4, एक आंकड़े के मुताबिक भारत में सबसे कम तलाक के मामले सामने आते हैं, 100 में से 1, जो बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है। नंबर 5, दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ के लोग कोक और पेप्सी का छिड़काव फसलों पे करते हैं, क्योंकि यह कीटनाशक की तुलना में सस्ता होता है, लेकिन यह काम भी करता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह दुनिया का एक लौता ऐसा आइलैंड है जो पूरी तरह से प्लास्टिक बोतल से बना है। इसे आइलैंड ऑफ वोमेन के नाम से जाना जाता है, जो कि रिचर्ड सोवा द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने इसे 1,25,000 से भी ज्यादा प्लास्टिक बोतल से बनाए हैं। इस आइलैंड पे वे 10 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं। इस आइलैंड पे हर वो चीज उपलब्ध है जो एक आम आदमी को जिंदा रहने के लिए चाहिए। इस घर में बेडरूम, किचन, बाथरूम, गार्डन और यहाँ तक की लाइट भी है। इसी खूबी के चलते टूरिस्ट रोजाना इसे देखने भी आते हैं। दोस्तों क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे, कमेंट में अपना दे सकते हैं। दोस्तों गूगल हमारे जानकारियों को 6 हिस्सों में सेव करता है, जैसे कॉरम, सर्च, इनवाइट, एड, यूट्यूब और गूगल प्ले। और गूगल हमारे कई जानकारियों को एडवर्टाइजर के साथ बेच भी देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों हम स्पेस में नहीं रो सकते, क्योंकि स्पेस में 0 ग्रेविटी होता है, जिसके कारण आंसू नहीं बहते हैं और आंसू छोटे छोटे ड्रॉप में तैरने लगते हैं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कान और नाक छिदवाने पे बहुत कम खून निकलता है, क्योंकि हमारे शरीर में कान और नाक स्किन और फैट के बने होते हैं, जो कि एक हड्डी का प्रकार होता है, इसलिए ज्यादा खून नहीं निकलते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों चींटी को कितना भी ऊपर से गिरा दिया जाए तो वह मरती नहीं है, क्योंकि उनके शरीर में न के बराबर मांस होता है। फैक्ट नंबर 5, कॉकरोच का सर काट देने के बाद भी कुछ हफ्तों तक जिंदा रहता है।